Hello everyone. Welcome to maneuver. So welcome to maneuver GK and current affairs series guys. So today we will discuss about the Olympic and you will get the continue this type of the video for your current affairs and uh, static GK preparations. So if you are preparing for the different exam, for example, TACE, Law City, 3 years, 5 years and uh, MH Law City, B.Ed and Hotel Management and different MBA exams. So guys, this video will be very helpful for you and uh, from the Olympic, it's a must question will come in your exam. So just watch the video carefully as you are planning to prepare for these all the entrance exams in a day so many of us have started the batches. So you can inquire about the batches, number is given. And one more important thing, guys so just fill the form which is given in the description and appear the quiz. सो वट एवर द थिंग्स विच आई विस्कस इन दीडियो सो जो भी वीडियो में डिस्कस करूंगा उससे रिलेड करके आई विम द सम क्वेश्चन सो यू हैव टू अपियर इट एंड इवेल्यूएट योर सेल्फ सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड योर आई क्यू लेबल गाइज सो डोट फॉग टू अपियर दिस क्वीस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कम टू द टॉपिक सो गाइज एज वी नो द क्वेश्चन विल फ्रेम योर एग्जाम इन अ बोथ वे स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड करेंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू सो ओलम्पिक विच इज हेल्ड दिस ईयर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो यहाँ से दोनों वे में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एज पर द स्टैटिकेड एज पर द करेंट अफेयर ओरियंटेड सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिकॉइंट ऑफ व्यू सो हियर इज अम हिस्टोरिकल पॉइंट रिलेटेडिक्स इन एंशियंट फर्स्ट इट स्टार्टेड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स बी सी एंड मॉडर्न ओलंपिक इज स्टार्टीन नाइनटी सिक्स बेसिकली इन एंशियंट टाइम इट इज स्टार्टेड टू ऑनर द ग्रीस गॉड जेउस सो एक हिस्टोरिकल पॉइंट है जस्ट ईयर रिमेंबर रखो इतना ही यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड फ्रॉम द मॉडर्न ओलंपिक्स It started in Athens 1896, which is a very very important bar exams. So, as an important point, ko only I will discuss here and uh, see the next point is a uh, which is started by the Boren Perrier de Cobertine. So he is uh, known as a father of the modern Olympic guys. 6 April 1896 ko ye first time start. Hua hai. This is the important point, and uh, who started the modern Olympic? Just remember Perrier de Cobertine. Okay, he is a father of the modern Olympic now come to the logo olympic logo hai, five ring so everybody know about this five ring so what is the meaning of exactly so here is the one definition olympic symbol comprises the five ring linked together to represent the sport friendship among the country and uh, what this five ring uh, denote or what this five rings meaning so, five continent यूरोप अफ्रीका अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया दिस इज द मीनिंग ऑफ ओके, वन मोर स्टैटिक इंफॉर्मेशन एज पर द ओलंपिक कमेटी एंड ओलंपिक गेम पॉइंट ऑफ व्यू सो इट्स हेडक्वार्टर एज वी नो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है एंड हु इज द प्रेसिडेंट इट मीन हुईज हेड ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन ओके सो लुशाने स्विटरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है एंड हुईज द करेंट प्रेसिडेंट इज दॉमस बाच जस्ट रिमेंबर दिस टू स्टैटिक इंफॉर्मेशन इज आल्सो हाईली एक्सपेक्टेड फॉर द एग्जाम नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ओलंपिक स्पोर्ट्स कंटेस्ट द समर ओलंपिक गेम एंड विंटर ओलंपिक गेम सो समर एंड विंटर होता है फॉर एक्साम्पल एवरी फोर फोर इयर्स के डिफरेंस पे होता है एंड इस ईयर जो ट्वेंटी शेड्यूल था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इट्स दैट इट वॉज ट्वेंटी सिक्स जो कि रियो ओलंपिक था उसके पहले टू थाउजेंड ट्वेल्व विच वॉज लंदन ओलंपिक उसके पहले था टू थाउजेंड एट विच वॉज बिजिंग ओलंपिक ओके सो ऐसे ही फोर फोर ईयर के डिफरेंस पे होता है एंड इन दिस फोर ईयर के डिफरेंस में बिटवीन दिस टू मतलब आफ्टर द टू ईयर दर ओलंपिक जो नेक्स्ट टू ईयर के बाद विंटर ओलंपिक होता है फॉर एग्जाम्पल इफ द समर ओलंपिक वॉज हेल्ड इन टू थाउजेंड एट सो विंटर ओलंपिक वॉज हेल्ड टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड फोर्टीन टू थाउजेंड एटीन ये जो टू थाउजेंड एटीन का था इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इट वॉज हेल्ड इन प्यचांग साउथ कोरिया ओके अभी नेक्स्ट जो ओलंपिक शेड्यूल है 2022 का इट्स शेड्यूल इन बीजिंग ओके जो विंटर ओलंपिक होगा ओके सो ये सम थोड़े से इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक्स एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम द इंडिया इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा है इन ओलंपिक सो इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक गेम नाइनटीन हंड्रेड विदॉन एथलीट नॉन् पी चार Winning the two medal, both silver, in you know, athlete become the first Asian nation to win the Olympic medal. So this is the one static information. And the nation first send the team in Summer Olympic 1920 and has participated every Summer Games since then. And India has also competed the several Winter Olympic game uh, beginning in 1964. And uh, India athlete have the own the 35 medal all the Summer game. And uh, for period of the time, basically it's related to the India hockey team. So. टीम यहां पे आप देख सकते हो मेंस फील्ड हॉकी टीम वि द डोमिनेटेड इन द ओलंपिक कमेटी विनिंग द 11 मेडल 12 ओलंपिक बिटवीन द 1928 टू 1980 सो so, इंडिया का एक डोमिनेटिंग फील्ड था आपने हिटलर वाली स्टोरी सुनी होगी मेजर ध्यानचंद से जो रिलेट करके है ओके okay, सो so कभी उस पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे नाउ नेक्स्ट इज अ इंपॉर्टेंट रीसेंट ओलंपिक जो इंडिया का रीसेंट अचीवमेंट है सो so

द मिडिली सो टू मेडल वॉज इन टू थाउजेंड एट ओके एंड आफ्टर दैट टू थाउजेंड ट्वेल्व लंदन ओलंपिक था वहां पर कौन कौन से मेडलिस्ट थे इंडिया के सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टोटल एटी थ्री मेंबर्स एथलीट के जो इंडिया के थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सो रेसलर सुनी सुशील कुमार बिकम द फर्स्ट इंडियन विद द मल्टीपल इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने विन किया था टू थाउजेंड एट में समर ओलंपिक में okay and uh, 2012 summer olympics since independence so, so he was the first multi uh, individual olympic medalist in india cathay jinona two medal kiya tha. after this saina neval won the bronze medal in the badminton and uh, women single getting the country first olympic medal in the badminton so saina neval and uh, mary become the first indian women to own the medal in the boxing okay so medal in the women's बेस्ट परफॉर्मेंट टी 2020 पहले का यह सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था इंडिया का एंड आफ्टर दैट टू थाउजेंड सिक्स द रियो ओलंपिक ब्राज़ील में जो हुआ था रिकॉर्ड नंबर ऑफ एथलीट वन हंड्रेड एंड एटीन एथलीट पार्टिसिपेटेड इन इट ओके एंड ओनली टू मेडल वॉज देर साक्षी मलिक बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेस्लर टू विन एंड ओलंपिक मेडल विथ हर ब्रोन्ज मेडल

in it so this is the important data and uh, seven medal out of this seven one gold two silver i will show you the image wise and the name of the player and four bronze medal guys so yeah data is important a simple sa question ga, how many bronze medal owned by the india in this tokyo olympic okay so bajrang Punya was the uh, designated the flag bearer of india in the closing ceremony थ द बॉक्सिंग रेट मैरीकॉम में जो है हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह बिंग द इंडिया फ्लैग बेर इन द ओपनिंग सेरोमनी सो फ्लैग बेर नेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नोट करके रख लो रिमेंबर कर लो वंस और ट्वाइस रीड कर लो यहीं से क्वेश्चन आएगा उस आफ्टर दैट सूटर अवनी लेकारे विल बी द फ्लैग बेयर ऑफ द कंट्री कॉन्टीजेंट ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरोमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक सो पैरा ओलंपिक से भी ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है नाउ कम टू दू इज मेडलिस्ट एंड कौन सा मेडल विन किया है एंड दिज ऑल आर द अवर हीरो नीरज चोप्रा ऑन द गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रू एवरीबडी नो आई होप नो सो रवि कुमार दाहिया इज ऑल्सो ऑन द फिफ्टी सेवन कैटेगरी रेसलिंग दिस इज अम्पॉर्टेंट गाइस ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड यहीं से क्वेश्चन आएगा रवि कुमार दाइया सिंपल सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू द विच स्पोर्ट्स ओके गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ये सब नहीं पूछेगा सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछेगा ओके मीरा भाई चानू सी इज टू द वेट लिफ्टर सी इज अ वेरी वेल नोन वेट लिफ्टर एंड ऑन द सिल्वर मेडल एंड नेक्स्ट वन इज अ पीवी सिंधु पीवी सिंधु ओन द ब्रोंज मेडल लवलीना बोर्गेहन एंड सी आल्सो ओन द ब्रोन्ज मेडल इंडिया हॉकी टीम ब्रोंज्ज मेडल एंड बजरंग पुनिया ओके इनका इमेज नहीं है डोंट वरी आई होप यू पीपल नो सो बजरंग पुनिया ओन द ब्रोन्ज मेडल सो दीज आर आर द सेवन पीपल ओन द मेडल इन दिस इयर समर ओलंपिक एंड आफ्टर दैट देर इज सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पैरा ओलंपिक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यहां से भी प्लेयर एंड स्पोर्ट से रिलेट करके क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो फर्स्ट वन विमेन्स कैटेगरी में टेन मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग अवनी लेकारे ओन द गोल्ड मेडल वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा ही रिलेटेड विच वेटलिफ्टर है एंड वॉट इज दिस एंड एफ सिक्सटी फोर जैवलिन थ्रो सुमिता अंतिल एंड बैडमिंटन मैन सिंगल प्रमोद भगत

निशांत कुमार ऑन द सिल्वर इन हाई जम्प सो काफ़ी इनका भी मोटिवेशनल वीडियो है आप देख सकते हो ओके सो दीज आर आर द मेडलिस्ट फ्रॉम द पैरा ओलंपिक, सो इंपॉर्टेंट है, सो टोटल नाइनटीन मेडलिस्ट है फ्रॉम द पैरा ओलंपिक, सो मैं हाइड कर देता हूँ फॉर द मोमेंट के लिए सो एट यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इफ यू वॉन्ट ओके सो दीज आर आर द पर्सनैलिटी फ्राम द olympic okay guys so that's it from the olympic and this is the most and most important for the upcoming exam so if you are going to appear or for the planning for the next year so these data will be very important because olympic is a very very important and hot topic so continue if you want to get the update related to the gk and current affairs this type of the information so don't forget to subscribe our channel. So continue, we will update regarding the current affairs and static GK, which is important for your exams. And you can follow us on a Facebook, Instagram, and Telegram. And for any courses, any inquiry, any uh, if you have doubt anything, so you can call on this number. Otherwise, you can visit on our website, guys. Okay. So study, prepare, and uh, practice. This is the way you can get the success. See you in next session. Thank you.